तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे मैक मिनी M1 के सेटअप के बारे में, जो कि मैंने बिल्ड किया था जनवरी के अंदर, और वीडियो में अब मतलब 3 महीने बाद अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि सब कुछ सेटअप एकदम परफेक्टली बना भी नहीं था। अभी भी इतना अच्छा तो नहीं है, बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को डेफिनेटली मैं बता दूंगा, और जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने क्यों परचेज किए वो भी मैं इस वाले वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटिव कि मैंने अपना सेटअप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके बनवाया है। तो मेरे यार दो ही काम होते हैं, वीडियो एडिटिंग और होता है कोडिंग। तो कोडिंग तो यार आप किसी भी में कर सकते हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती। तो मैंने वीडियो एडिटिंग के परस्पेक्टिव से पूरा पूरा सेटअप क्रिएट किया है, उसी पर पूरा डिपेंडेड है। अगर आप गेमिंग के लिए चेकआउट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको किसी और सेटअप को एक बार चेकआउट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की तरफ से आने वाली मैक मिनी M1 के बारे में। तो मेरे पास यार बेस वेरिएंट है 8 GB, 256 GB के अराउंड, 150 GB अभी तक अब इसमें अवेलेबल है स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज में मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, और जितना थोड़ा वो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क पड़ी है, पुराने लैपटॉप में पड़ी हुई है, तो उसी के अंदर मैं उस चीज़ को सेव करता हूँ। वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने मैक मिनी M1 इसलिए लिया क्योंकि मैक मिनी सबसे ज़्यादा सस्ता था। पहली बार इसमें 8 कोर आपको देखने को मिल जाते हैं, फाइनल कट प्रो आप चला सकते हो जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैंने मैक मिनी M1 को सिलेक्ट किया। और एप्पल के प्रोडक्ट क्रिएटिविटी या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, इसीलिए मैंने मैक मिनी M1 लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर। मॉनिटर मैंने लिया है LG का 22MP68VQ मॉडल नंबर का। इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 22 इंचेस का फुल HD IPS पैनल आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 5ms का रिस्पांस टाइम, 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके साथ आपको AMD सिंक भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप इसको 75 हर्ट्ज तक अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन मैंने मैक मिनी M1 के अंदर ऑलरेडी इसको 75 हर्ट्ज तक अनलॉक किया है बिना AMD सिंक के थ्रू, पता नहीं कैसे हो गया बट ये हो गया मेरे में। तो मैंने इसको 75 हर्ट्ज तक अनलॉक कर रखा है। इसके अंदर आपको VGA, HDMI, DVI और ऑडियो पोर्ट देखने को मिल जाता है। ऑडियो पोर्ट के अंदर सिर्फ आउटपुट है, यानी आपके गाने आ सकते हैं, अगर आप माइक लगा देंगे तो आपकी आवाज़ जा नहीं सकती। और इसकी एक और अच्छी चीज़, HDMI केबल आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, मतलब कि आपको 3 साल तक एकदम फ्री हो चुके आप, अब मुझे 3 साल तक कुछ नहीं खरीदना। ऐसी बात नहीं है कि आप चाहो तो खरीद सकते हो, बट 3 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती इसके अंदर। तो इस मॉनिटर को मैंने 8,500 रुपये में परचेस किया था, बट इसकी जो अभी करंट प्राइस है वो 9,500 है, और जो फेस्टिवल आते हैं उसके अंदर इसकी प्राइस मैंने 7,500 तक भी जाते हुए देखी है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा वेट करने के लिए। और अगर आप दिल्ली या फिर किसी बड़े मार्केट में रहते हो जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का कोई बड़ा मार्केट हो तो वहाँ पे जरूर चेकआउट करना, इस वाले मॉनिटर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको हो सकता है और ज़्यादा सस्ता देखने को मिल जाए। तीसरी चीज़, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के बारे में तो कुछ ज़्यादा खास स्पेसिफिकेशंस होती नहीं है, बट फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ जेब्रोनिस का ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कॉम्बो, जिसके अंदर आपको कीबोर्ड और माउस दोनों देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही RGB है बट ARGB नहीं है। कीबोर्ड के अंदर आपको 3 प्रीसेट देखने को मिलते हैं लाइट के, आप तीनों के अंदर चेंज कर सकते हैं। और आपको जो माउस देखने को मिलता है उसके अंदर आपको RGB कंट्रोल का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिक ही वो अपने आप ही एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होता रहता है। आई थिंक उसके अंदर 7 कलर हैं। माउस के अंदर आपको DVI का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और कीबोर्ड के अंदर आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिल जाता है जिसमें सारी की है टोटल। वैसे तो ये विंडोज़ का कीबोर्ड है बट मैं इसको अपने मैक के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आएंगे मैं एप्पल का मंगवा लूँगा। आई थिंक 10,000 रुपये का आता है और माउस 5,000 रुपये का, कोशिश करूंगा अगर हो सका तो ज़रूर मंगाएंगे। फिलहाल इस कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो की कीमत थी 1,300 रुपये जो मैंने परचेज किए थे अमेजोन के थ्रू, तो आप भी अगर चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है बोट के हेडफोन। वैसे मैंने बोट के हेडफोन वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं मंगाए थे, और ये वाले हेडफोन वीडियो एडिटिंग के लिए हैं भी नहीं, बट लेकिन फिलहाल ये काम चला देते हैं। हेडफोन अभी परचेस किए थे मैंने थोड़े दिनों पहले, काफ़ी अच्छे हेडफोन है, गाने वाने सुनने के लिए बेस काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत यार जरूर यूज़ करता हूँ। सेटअप के अंदर फिर मेरे पास आती है यार ये टेबल, इसके अलावा आता है चेयर और लैपटॉप और फ़ोन, जो कि मैक मिनी M1 से रिलेटेड नहीं है तो मैं आपको बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये वाला वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा रूखा सूखा सा लगा मुझे शूट करते टाइम, और जब एडिट करेंगे तब पता चलेगा किस तरह का होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और टाटा बाय बाय। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।